हाय फ्रेंड्स। तो अभी ये मेरे पास मेरी टीवीएस की जुपिटर है। एक्चुअली ये चालू नहीं हो रही, बटन स्टार्ट नहीं हो रही। मैं अभी आपको बताता हूँ, कर बटन स्टार्ट। ये देख सकते हैं इसका ऐसा कैसा आवाज़ आ रहा हो, बट इसको किक स्टार्ट हो रही। मेरे हिसाब से इसको मैं जो है वो बैटरी का प्रॉब्लम होगा। अभी सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसकी बैटरी कहाँ पे होती है। बैटरी के लिए आपको निकालने के लिए सिर्फ एक स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत है। इसके अंदर यहाँ पे बैटरी होती है, उसके लिए आपको यहाँ पे एक नट है वो खोलना होगा, ये नट खोलना होगा, और सेम वो साइड में एक नट है वो खोलना होगा, और सीट के अंदर यहाँ पे तीन नट है वो तीनों नट खोलने होंगे। मैंने मेरे पहले वीडियो में बताया। तो अभी हम सबसे पहले मल्टीमीटर से इसकी जो बैटरी है उसको चेक करेंगे, उसका जो पानी है उसको भी हम चेक करके लेंगे। इसकी बैटरी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसके अंदर इसकी बैटरी है। अभी ये बैटरी के यहाँ पे शायद कार्बन जमा हुआ है, तो हमें बैटरी को नीचे लेना होगा। अभी हमने यहाँ पे बैटरी वैसे ऊपर रखी और मल्टीमीटर उसको कनेक्ट किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 11.9293 ऐसा कुछ यहाँ पे वोल्टेज बता रहा है, जो कि कम है, जो कि 12.5 से ऊपर रहना चाहिए। इसकी बैटरी डाउन है, शायद इसमें पानी भी कम। बैटरी डाउन होने के कारण ये जो जुपिटर है ये बटन स्टार्ट नहीं ले रही। यहाँ पे देख सकते हैं हमने ये बैटरी यहाँ से पूरी निकाल के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पूरा कार्बन जमा हुआ है, इसमें शायद पानी भी कम है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो टर्मिनल है इसको निकाल लेंगे। टर्मिनल निकाल के बाद सैंड पेपर से बस इसको घिसेंगे और बैटरी में पानी जो है वो चेक करके उसमें डाल देंगे। पूरा प्रोसीजर मैं आपको यहाँ पे पूरा बताऊंगा। अभी मल्टीमीटर के थ्रू आपको फिर एक बार इसकी चार्जिंग चेक करके बताता हूँ, पॉजिटिव करंट किया, निगेटिव करंट किया। 11.90 ऐसा कुछ है। डाउन है बैटरी। तो अभी हम इसमें पहले पानी चेक करेंगे, बाद में टर्मिनल है पूरा क्लीन करके लेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो टर्मिनल है ये बहुत ज्यादा गंदे हो गए। मैं अभी क्या करूंगा, जो सैंड पेपर थोड़ा सा लेके आया हूँ एक पीस, इससे ये पूरा क्लीन करके लूंगा। फर्स्ट यहाँ पे ये बैटरी पे ग्रीस लगा था, तो ये फटके की मदद से ये भी मैं अच्छे से जरा क्लीन करके लूंगा। वो एकदम अच्छी तरीके से यहाँ पे बैटरी क्लीन हो गई टर्मिनल। अभी जो उसके वहां के टर्मिनल वायर थे हम उसको क्लीन करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके बैटरी का जो वाटर है उसको चेक करने के लिए, उसके लिए बस आपको एक पकड़ चाहिए, इंजेक्शन चाहिए, और ये डिस्टिल वाटर चाहिए जो बैटरी में डलता है, एसिडिक होता है, वही यूज करो जो बैटरी में डलता है, या फिर कोई डुप्लीकेट ब्रांड का मत यूज करो। तो सबसे पहले हम ये सारे निकाल लेंगे यहाँ से। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, लेवल बहुत कम है जिसके कारण ये बैटरी भी शायद खराब हो सकती थी। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ भी इसमें पानी नहीं है, ये ज्यादा जूम नहीं हो रहा है, बट हम ट्राई करेंगे आपको अच्छे तरह से दिखा सके। देख सकते हैं कुछ भी पानी नहीं है इसमें। अभी हम इसमें जो है पूरा पानी फिल अप कर देंगे। इंजेक्शन की मदद से आपको इसका पूरा फिल होता है। अभी ये पूरा क्लीन कर दिया हमने। अभी इसको लगाने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो पॉजिटिव का टर्मिनल होता है उसको फिट करके लेना है, बाद में निगेटिव का टर्मिनल आपको यहाँ पे लगाना है। आप उल्टा नहीं लगा सकते, अगर आप उल्टा लगाएंगे और बाय चांस पॉजिटिव का किधर भी मेटल का टच हो गया तो आपकी वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है, पहले आपको पॉजिटिव का फिट करके लेना है, बाद में निगेटिव का फिट करके लेना है। अभी हमने इसमें वापिस जो है वो बैटरी फिट कर दिए। अभी देखेंगे ये चालू होती है नहीं होती। अभी मैं इसको एक 3-4 किलोमीटर का राउंड मारूंगा, उसमें बाद में हम इसमें देखेंगे क्या हो रहा है।
सो अभी हमने पूरी तरह से वापस जो गाड़ी है उसको फिट कर दिया है, बैटरी भी उसकी वापस बिठा दी है। अभी हम एक 3-4 किलोमीटर का राउंड मारेंगे, उसके बाद में देखेंगे बैटरी कितनी चार्ज होती है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। अभी एक सेल्फ स्टार्ट में मेरी जो स्कूटर है वो चालू हो गई।